So now we will have a short dance therapy workshop for all of you. The psychotherapeutic use of movement and dance supports the intellectual, emotional and motor functions of the body, and it enriches mind, soul and body. And we have amongst us to take this workshop the accomplished, most renowned Kathak gurus and dancers of India, Nalini Kamalniji. They are the disciples of Guru Jitendra Maharaji, and they have been under his tutelage for many, many years. They have devoted 50 years of their lives to this dance form. They have been performing and teaching Kathak all across the world. They have taken workshops on dance in various universities. They have performed extensively across the globe, and today they are here. Let me also tell you a very interesting fact that after having performed in religious places and the sanctum sanctorums in the most prestigious of platforms, they have also performed at a very high altitude in 2003 at Kailash Mansarovar. Before that, they had also performed in all the Jyotirlings, and Kailash Mansarovar was a great experience for them, and let's applaud them for this. It's such a great work with a lot of dedication and hard work that they are pursuing their goal of spreading the glory of Indian arts across the globe. They are also Padma Shri awardee, and of course many other honors and awards have been bestowed upon them for their service to this art. So let's welcome them. It's an honor that they have agreed to take this dance therapy workshop for us. Nalini Kamalini Asthanaji. Hari Om. आप सबका आज के इस सत्र में बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन. मेरा थोड़ा गला ख़राब है, लेकिन मुझे लगता है यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग. कल रात को मेरे पास अल्पना जी का फ़ोन आया, मुझे सेकंड सेशन में आना था एज ए चीफ गेस्ट. बोली आप इसमें काम कर रही हैं, वाई डोंट यू कम. तो 11:30 बजे मैंने रात को इन दोनों बच्चों को जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इनको बोला कि तुम आ जाओ, हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और आपको थोड़ा प्रेजेंट करके बताना है. तो देखिए, दूसरी विधा जो है, ऑल द थिंग्स कम्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड. बाहर से सीखते हैं, आपके अंदर आती है, लेकिन कला आपके अंदर से बाहर जाती है. शरीर के दो रूप हैं, एक बाहरी एक आंतरिक. जो बाहर वाला है उसमें कोई खामी होती है तो अंदर वाला तो संपूर्ण है, उसे संभालता है. और अंदर कोई खामी होती है तो बाहर वाला संभालता है. लेकिन हमारी विधा में गुरु एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अंदर और बाहर दोनों की कमियों को पूरा करता है. नृत्य संगीतवाद, जब मैं इसमें आई, मैं और कमलिनी, आज से 55 साल पहले हम भी स्कूल के स्टूडेंट थे. मैं स्पोर्ट्स चैम्पियन थी, एथलीट थी, बहुत अच्छा भागती थी, और 6 years नेशनल चैम्पियनशिप, 12 साल मैंने जोनल चैम्पियनशिप ली. सबको लगता था मेरा फ्यूचर स्पोर्ट्स में ही है, और पढ़ाई में तो होते हैं क्योंकि IQ लेवल ये सब चीज़ें बढ़ाती है. लेकिन जब मैं अपने गुरु के सानिध्य में आई, गुरु जितेंद्र महाराज जी के, तो मुझे लगा जो उनके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है. जिससे अभी बात इतनी अच्छी अच्छी हुई, एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी. जब तक आपको कुछ नहीं आता तब आप डिसेबल ही हैं, जब आता जाता है आप एबल होते जाते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे आपका हो जाता है. संसार में कोई भी चीज़ संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण हमें बनानी पड़ती है, और उसको पूरा करने के लिए हमें कर्तव्य चाहिए, और हम इस धरातल में कर्तव्य करने के लिए आए हैं. नृत्य एक साधना है जिसमें आप अपनी कमियों को पूरा करते हैं. और जो जो मैंने इसे सीखा, मुझे पता चला कि हम अपनी कमियों को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. सबसे बड़ी बात है आपका स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस जो होता है. आप कितने भी एबल हो, नॉर्मल बच्चा भी आता है तो उसको हम जो भी कुछ सिखाते हैं वो अपने स्थिरता पे नहीं खड़ा हो पाता,
क्योंकि बॉडी के बैलेंस अकॉर्डिंग टू द रिदम माइंड एंड बॉडी वो एक लय ताल में आपको बांधती है। सूक्ष्म शरीर जो आपके अंदर है और स्थूल शरीर जो बाहर है उसके दोनों के सामंजस्य से जो एक प्रेजेंटेशन होता है वो एक आर्ट है। और इसमें सबसे बड़ी बात है जो आजकल लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी का समय आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 घंटे भी नाचेंगे तो उनके दिमाग में वो पूरा सबक रहेगा। देयर इज़ नो टाइम टू सी एनी पेपर या आप गूगल से सर्च करें, कुछ नहीं। सो इट इम्प्रूव्स योर मेमोरी पावर। दूसरी बात है आपका कंटिन्यूटी आपके बॉडी माइंड और सोल की चलती है। भाव विचार अभिव्यक्ति ये माइंड बॉडी सोल है। भाव किससे हैं, विचार किससे हैं और अभिव्यक्ति किससे हैं। जो विचार हैं वो माइंड से हैं जो आप थिंक करते हैं, और भाव है आपके हृदय से, और अभिव्यक्ति है द होल बॉडी। तो डांस में, नृत्य में माइंड बॉडी एंड सोल का बहुत अच्छा एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। जो आप विचारते हैं उसमें आप भाव डालते हैं और उसको अभिव्यक्त करने का माध्यम सशक्त है। वो किसी भी कला में हो सकता है, पेंटिंग में भी हो सकता है, गायन में भी हो सकता है, लेकिन नृत्य में वो एक गति के साथ होता है, इसलिए उसे करना और उसे समझना और उसे साधना बहुत मुश्किल होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अभी आपके सामने बच्चे का रखती हूँ, प्रशस्ति और ख्याति मल्होत्रा। ये यंग स्टूडेंट है, मेरे इंस्टीट्यूट के गुरुजी से सीखते थे। अभी मैं इनको छोटी छोटी बातें बताती हूँ, आप देखिएगा छोटा बच्चा भी माइंड बॉडी एंड सोल को बिल्कुल फुट माइक भी ले लो इसे, किस तरीके से लय में, लय रिदम नृत्य में लय जो है वो एक सिस्टम है। जैसे आपके बॉडी में आप सांस लेते हैं वो एक स्टेट लय है, खून का फ्लो है वो भी एक गति है, और हार्ट बीट भी वो एक रिदम में चलती है। जब ये बिगड़ जाती है तो आपको पहले पता चलता है कि ये बिगड़ गई है, फिर आप डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर को बाद में पता चलता है। इस लय ताल की गति को किस तरीके से नृत्य में बांधते हैं। और एक और अच्छी बात बताती हूँ, अपने हाथ में पंच तत्व है, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल। इस अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल इन पंच तत्वों को किस प्रकार से हम अलग अलग मुद्राओं में अभिव्यक्त करते जाते हैं, तो जो एक्यूपॉइंट्स है अपनी बॉडी के, जैसे हमारी ज्ञान ध्यान मुद्रा है, और कथक नृत्य में क्योंकि कृष्ण अपने योगी थे तो ज्ञान ध्यान मुद्रा को कथक में हम ऐसे रखते हैं, बॉडी बैलेंस रहती है, और उस बॉडी के बैलेंस से जब हम नृत्य करते हैं तो निरंतर हम किसी भी समय, छोटे बच्चे को आप देखिएगा वो चक्कर नहीं खाते हैं, उनको चक्कर नहीं आते कितनी भी देर हो नाचे। प्रशस्ति आप सबसे पहले करोगे तथे ई थे 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 9 से ले आपको इतनी बच्चे छोटी बच्ची का कैसे बैलेंस है बॉडी का। आप बोलोगे तथे ई थे 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 दोनों जने थे सम से 15-16 तथे ई थे 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 ई तथे ई थे 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 ई तथे ई थे 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 थे। जहां आके रुकते हैं वो सम कहलाता है। और देखिए रिदम के साथ No musician still how they are able to do. अभी इसी रिदम में जो 16 की बीट चल रही है, मैं बोलूंगी सम से सम तक, मतलब 16 का किया, अब ये 9 से सम तक करेंगे, फिर 13 से सम तक है। अपने आप करो ए रिदम तत्काल कर उधर जाइए। Thank you.
इधर से तेरा बल्का भैया रो This is flat foot they are doing and Because I have to involve these new students who are also wanted to know a little bit about Kathak. So it's so interesting. Oh, very good. Welcome. So the only thing is what Nalini ji was saying, that about the therapy, when we in Indian dance barefoot, then only the acupuncture points get activated. So in Indian dance, we always do barefoot, whether it is Kuchipudi, Odissi, Manipur, all the classical dances. Even folk. So that's why even the folk dances, we never put on shoes or anything like that. So it helps in our activation and secretion of the glands. So this is the basic thing when we can really put ourselves into a perfect form. Okay, now all are getting tempted and wanted to learn Kathak. So we have to start from right, 1, 2, 3, 4, then repeat 1, 2, 3, 4. We are doing 16 beats, that is called Teen Taal. Okay, and the rag is Kalavati. They inko aise kara do ki me. 1, 2, 3, aap apne karte raho. You have to repeat long. 1, 2, 3, 4 again. 4, you have to repeat 1. Double. Do. This is 32 in 16 beats. Mat karo, abhi mat karo. Chogun, na din din na na din din na na din din na na din din na na din din na. That is 64 in 16. 16 into 4, 64. So in 16 beats they are doing 64. Na din din na 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 na. Khada pair. Na din din na 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 na. Flat. Na din din na na din din na. 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 5. Ah. 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 5. Ah. 1 2 3 4 da da da. So this is called Tihai. Because we have to conclude now. One specimen, again they will show both of them,
दे विल रिसाइट वन टुकड़ा एंड देन डांस. चलो माइक दो यहाँ. क्या थी पढ़ो. कौन सा? नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह. दिस इज द वोकैबुलरी ऑफ डांस. ना दिक 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 ना दिक 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 ना दिक 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 थे दिक दिक थे दिक दिक ना थे त त त थे ना निन निन ना ना निन निन ना था ना दिक 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 ना दिक 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 ना दिक 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 थे दिक दिक थे दिक दिक ना थे त त त थे ना दिन दिन ना ना दिन दिन ना था ना दिक 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 ना दिक 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 ना दिक 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 थे दिक दिक थे दिक दिक ता थे ता ता तक थे ना 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 था. This is see we can speak French, we can speak German, but this is the vocabulary of Kathak dance which is very difficult. So these kids are able to do. We will do this one. ना दिख 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 थे दिख दिख थे दिख दिख ता थे ता ता त्रंग थे ना दिन दिन ना था ना दिख 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 ना दिख 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 ना दिख 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 थे दिख दिख थे दिख दिख ता थे ता ता त्रंग थे ना था. See, it comes accurate to the point. See, this is so amazing that at such a small age she can do all this, and this is very difficult. This is called khada pair. This is we have to dance with the toes. Every knee of point of the feet is used. Toe, heel, this and flat foot. These are all acupoints. These are all acupoints, and when we dance, we really get channelized, activated, and energetic. We don't get tired. Because people think that dancers get tired. No, we get more energy out of our dancing. One more, so we'll try again. All the audience and you people, Kamali Kavit padenge. You will give the rhythm, they will come on the point coinciding this. One, two, you should not increase or decrease. No, yes. Yeah, this is the rhythm. दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह मुरली की धुन सुन नाच रही राधा माधो छुम छन नन नन छुम नाच रही राधा 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 आ मुरली की धुन सुन नाच रही राधा माधो छुम छन नन नन छुम छन नन नाच रही राधा 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 आ मुरली की धुन सुन नाच रही राधा माधो छुम छन नन नन छुम छन नन नाच रही राधा 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 आ राधा. To the point. This was Chakradar. Three times one bowl repeats is Radha, and this was Kavit. What she was, the poem imbibed in lay is called Kavit. It can be anything. And see, she was reciting, and that is small girl. Now I'll show you the different modes of feet used in percussions. पहले लेंगे तथई थई थई थई, फिर लेंगे हम घुटनों का राउंड, हैं? दोनों जने. समसे. Balance, how it is, the stability and the mind, body, soul is working. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
reduce your waist. शो यू 16 बीट्स है, उसमें किस तरीके से 6 बीट्स फाइव कर दादरा नौ दस ग्यारह बारह तेरह एक दो तीन एक ओ तीन एक ओ तीन एक दो नेक्स्ट रिदम ऊपर जाओ बस बस लगा लेना This was introducing 6 beats into 16 beats. That is only for your accuracy of your mind that we are doing like this. आधे वाले लेखा करते जाना. 9, 10, yeah, 8, 13. This is called chal, how we walk in dance.
It is not like this. Everything is in rhythm. So, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः. Again we will walk. See, dance walk. You just learn dance walk. Tera chaudha pan so na taate aate taate aate ta. Very good. Kamali, she is also doing nicely. Very good. Do it. Green shirt. What's your name? Yeah, your name. You are also doing very good. You are from Australia. Oh, very please nice. Try, please try. Please try, both of you. Why you have gone? Mary has gone. It's now. It's you know, she don't know Kathak, but like the vibrations and the strong depiction has really motivated her soul. You will answer, they will put the question with the round, how we'll have an example. The thing what she said right now, the vibration. These two girls, Khushi and Sifati, they cannot hear. But when they dance, they never miss a bit because of the vibration. Yeah. So that's the power dance of dance. Is a silent language of body. Yeah. She was saying, see, we have given very less time. So in less time, we have to cook. Yeah. See, like, when you are dancing, you are not in theater. If you have any part of the world, you say, tum is tum, me is me. This is dance. If you say, go away, it's go away. Come here is come internationally. No one will say, I can't see. They will say, I can't see. See, it's an international language. One can follow. Yeah, mime is an international language. जहाँ शब्द मौन होते हैं वहाँ भाव बोलते हैं. दिस इज ऑल एक्सप्रेशन, है ना? सो इस वेयर द लैंग्वेज इज साइलेंट द एक्सप्रेशन स्पीक्स. नाउ आई कनेक्ट विद द रिदम. एक एक दे विल पुट द क्वेश्चन. यू हैव टू आंसर टू देयर क्वेश्चन. ओके, 12, 13, 14, 15, 16. एक दो. नो नो, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह. यू शुड बी ऑल इन रिदम. विदाउट रिदम इज नो मैटर. बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह. एक प्रशस्ति करो. फाइव सिक्स प्रशस्ति करो. नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात. यू हैव टू डू टू टाइम्स नाउ. वन, टू, थ्री, फोर. वेरी गुड. टू, थ्री, फोर. वन, टू, थ्री, फोर. वन, टू, थ्री, फोर. वन, टू, थ्री, टू टू रन. थ्री, फोर. वन, टू, थ्री, फोर. डोंट डू लाइक दिस, डू इट लाइक दिस. Ma'am, why you are not trying? Come, come. She is feeling shy. Come here. Chaudha, pandra, sola. Ek, do, three, chaar, paan, all together. Round. Das, gyara, bara, tera, chaudha. Look here. And then take round. Ek, do, तीन, चार. वेरी गुड ख्याति. कंटिन्यूस. नौ, दस,
Very good. Clap for him. Clap for him. Very nice. Very nice. See, if he is 60 kg, putting your whole body on one this thumb and taking round is not easy because he is doing for the first time. So we are doing like this, you know, all the time, taking round like this, you know. So it's now credit. Now, me, myself, and Kamalini ji will show you one piece. Then you will know how it's combined in the perfection. Then again, I'll nadik side me ho jao. Very nice, very nice. We will, because I am conducting, holding, so you know it's all becoming. Don't go. Just give clap. Pandra, soul. Na dik dik dik, na dik dik dik, na dik dik dik, thai dik dik thai dik dik ta thai ta ta trang thai dik dik thai dik dik ta 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 trang thai dik dik thai dik dik ta 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 trang thai dik dik thai. करता है आप
सुनो पर 13, 14, 15, 16 शीश मुकुट बंसी मुख बाद चपल नयन कुंडल जल जल के मोर मुकुट पीतांबर सो अंग अंग मदरी मस के माधो 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 ओ माधो ओ माधो 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 बीच में आ जाओ रो ओ माधो 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 ओ माधो रिदम टुगेदर योर क्लैप एंड देयर फीट सा दिन दिन प्रणाम करो 1, 2, 3, 4, 5
That is the magic of dance. So the language of Kathak was so easily understood by people from different nationalities who merged and mingled together to create this magical stage, and we can't thank enough internationally renowned Kathak exponents of India, Nalini Kamalini ji, and their two disciples, Khyati and Prashasti. Thank you for creating that magic on stage. Hope you all enjoyed it. And